हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर नीट 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो कंप्लीट हम इसमें सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें कि जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो क्लास पहुँच सके, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कंप्लीट नीट का जो भी सेशन है सारे बायोलॉजी से रिलेटेड वो हम इसमें कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एंजाइम की रेफरेंस में करेक्ट है? तो होलो एंजाइम है ये एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम के इक्वल होता है, को एंजाइम है ये एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के इक्वल होता है। होलो एंजाइम होता है वो को एंजाइम और को फैक्टर के प्लस के इक्वल होता है, एपो एंजाइम होता है ये होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम के इक्वल होता है। तो देखो बच्चों, इसमें ना राइट आंसर होगा ना वो होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि होलो एंजाइम होता है ना ये एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बना होता है। कंप्लीट एंजाइम होता है होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम होता है ना ये होलो एंजाइम होता है और इसे एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। ब्लड प्रेशर के वॉल्यूम में डिक्रीज होना ये किसके रिलीज होने का कोज नहीं है, यानी किसके रिलीज होने से ब्लड प्रेशर वॉल्यूम होता है ना वो कम होता है? एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच और रेनिन, ये चारों हॉर्मोन्स दे रखे हैं और ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हॉर्मोन है सभी के सभी। तो देखिए इसमें एएनएफ होता है ना ये वैसोडाइलेटर होता है बच्चों, एएनएफ होता है ये क्या होता है वैसोडाइलेटर होता है। एल्डोस्टेरोन होता है इससे ब्लड प्रेशर का लेवल में सोडियम आयन वगैरह ब्लड के अंदर कंट्रोल होते हैं। एडीएच होता है ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हार्मोन नहीं होता है। एडीएच ये यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए होता है, और रेनिन हार्मोन होता है ये होता है किडनी के फंक्शन के लिए होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है ना ये इसकी वजह से डिक्रीज और इंक्रीज होती है रेनिन की वजह से। तो देखो बच्चों, इसमें राइट आंसर होगा ना वो होगा एएनएफ। ब्लड प्रेशर में है ना कमी है ना वो एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर की वजह से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, इसमें देखो 93 का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ये देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम का क्वेश्चन नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम अभी एनटी के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, अभी जो नीट 24 होने वाला है ना उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का टॉपिक नहीं है, डाइजेशन का टॉपिक नहीं है उसमें। तो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, कौन सी सेल्स होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है उसको सीक्रेट करने का काम करती हैं? पैनेट सेल्स, जाइमोजन सेल्स, कूपर सेल्स और आरजी टैफिन सेल्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा पैनेट सेल्स। पैनेट जो सेल्स होती है ना ये लीवर कुहन की क्रिप्ट्स में पाई जाती हैं और ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सीक्रेट करने का काम करती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, इनमें से कौन सा है वो पॉलीमेरिक नहीं है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए प्रोटीन होते हैं ये एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, हमें सभी पता है। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना वो लिपिड होगा। लिपिड होता है ये पॉलीमर नहीं होता है, लिपिड होता है ग्लिसरॉल और एल्कोहल मिलकर ना लिपिड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा, ये पॉलीमर नहीं होता है, इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फंक्शनल मेगास्पोर इज इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है ना एंजियोस्पर्म के अंदर वो किस में डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियोसैक में, एम्ब्रियो में और ओव्यूल में। तो देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना उसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है एम्ब्रियोसैक के इक्वल, एम्ब्रियोसैक के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है इसमें, माइलिन सीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन सीथ है किससे बनी होती है? एस्ट्रोसाइट्स और स्वान सेल्स से, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट और एस्ट्रोसाइट से, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट से। तो देखो बच्चों राइट आंसर होगा ना, जो माइलिन सीथ होती है ना नर्व सेल के ऊपर माइलिन सीथ पाई जाती है, तो ये किससे बनी होती है? ये स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट होगा। ये ऐसे जैसे ये नर्व सेल है तो इसके ऐसे पाई जाती हैं, ऐसे
ऐसे पाई जाती हैं स्वान सेल्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइलिन सीथ पाई जाती है। ये साल्टेटरी जो मूवमेंट होती है ना, यानी जो भी इम्पल्स आता है वो कूद कूद के एक सेल से दूसरी सेल के ऊपर ट्रांसफर होता है, ऐसी मूवमेंट होता है उसका ऐसे। तो ये स्वान सेल से ऊपर से मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवार्ड्स होते हैं ना वो किसके लिए रिक्वायर होते हैं? तो अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड्स होते हैं ये एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगेमी और एनिमोफिली। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। एंटीमोफिली जो होता है ना, इंसेक्ट पोलिनेशन जिसको बोला जाता है, जो कीट परागण होता है, उसके अंदर अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड होते हैं। रिवार्ड के रूप में तो वो नेक्टर को यूज में लेते हैं, और अट्रैक्टेंट्स जो होते हैं ना उसके जो फ्लावर का पेटल का कलर होता है ना वो उसके लिए अट्रैक्टेंट्स होते हैं। तो एंटीमोफिली यानी इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर मोस्टली रिक्वायर होते हैं अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट होती है ना जो न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल। पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों उसके अंदर पाई जाती है रिसेप्टर साइट। देखिए जैसे ये एक्सॉन का पार्ट है, एक एक्सॉन का पार्ट है, तो ये जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हो गई ना, ये तो हो गई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और अब दूसरा जो एक्जोन होगा ना उसके टच में, उसका जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट्स होता है ना, जहाँ ये तो होता है एक्जोन का डिस्टल पार्ट, और जो डेंड्राइट्स का पार्ट्स होता है ना उसके ऊपर जहाँ से आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें राइट होगा ये वेसाइकल्स यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर की भरी होती हैं, और जो रिसेप्टर यहाँ पे आके रिलीज होती है ना, तो रिसेप्टर होते हैं ना वो इसके ऊपर बाइंड होते हैं, प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है ना डेंड्रॉन्स की उसके ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कोकोनेट कौन सा फ्रूट होता है? बेरी फ्रूट, नट फ्रूट, कैप्सूल और ड्रूप। तो देखो कोकोनेट होते हैं ना ये ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, कोकोनेट, ये सभी ड्रूप फ्रूट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें एडल्ट हुमेन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। जो हुमेन की आरबीसी होती है ना बच्चों उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये हम सभी को पता है। तो इससे रिलेटेड चार स्टेटमेंट दे रखें, तो इनमें से करेक्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये इनको रिप्रोडक्शन की नीड नहीं होती। दे आर सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल्स होती हैं। दे डू नॉट मेटाबलाइज, ये मेटाबलाइज नहीं करती। आल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनकी जो भी इंटरनल स्पेस होती है ना आरबीसी की वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में आती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना वो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा। इसमें ओनली ऑप्शन नंबर डी है ना ये राइट है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो भी आरबीसी की जो स्पेस होती है ना, रिमेनिंग स्पेस होती है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? कैपेसिटेशन होता क्या, जो ह्यूमन के स्पर्म्स होते हैं ना उनको कैपेसिटेशन जिसको योग्यतार्जन बोलते हैं वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और रेट्रिका टेस्टिस। तो देखिए ह्यूमन स्पर्म के अंदर जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है ना उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है ना उसके अंदर स्पर्म का कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी फर्टाइल वहीं पे जाके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, इनमें से कौन से हैं वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों एक्सट्रीम जो सेलाइन कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं ना वो आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एक्सट्रीमली हेलाइन कंडीशन के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन होती हैं और जहाँ पे सर्वाइवल कंडीशन नहीं होती ना वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन के अंदर आर्की बैक्टीरिया यानी हेलोफाइल्स बोला जाता है इनको, वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसिम्प्टोम्स ग्रोथ इन ए लॉजिस्टिक कर्व, एसिम्प्टोम इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ करवा इज ऑब्टेंड व्हेन, एसिम्प्टोम होता है ना लॉजिस्टिक ग्रोथ करवा के अंदर वो कब पाया जाता है? k = n, k = k > n, k > n, the value of r approaches zero। तो देखिए जब k = n होता है ना, n क्या होता है यहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, और ये क्या होता है, या कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। जो जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी दोनों अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है ना, तो वो कंडीशन क्या होती है, एसिम्प्टोम्स होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट होगा, जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के लेवल में आ जाती है, दोनों बराबर हो जाती है ना, तब जाके एसिम्प्टोम ग्रोथ होती है। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एज इट पुशेज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। देखिए आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होता है ना, जैसे काउज यील्डिंग हायर मिल्क, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें होती है ना, उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी गायें बहुत ज़्यादा दूध दे रही हैं उनको हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं, तो वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है। डायरेक्शनल एज इट पुशेज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, डिसरप्टिव एज इट स्प्लिट द पॉपुलेशन इन टू वन यील्डिंग हायर आउटपुट एंड द अदर लोअर आउटपुट, स्टेबिलाइजिंग फॉलोड बाई डिसरप्टिव एट इज स्टेबिलाइज द पॉपुलेशन पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस हायर यील्डिंग काउज, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन इज इट स्टेबिलाइज दिस करेक्टर इन द पॉपुलेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा इसको जैसे एक ही डायरेक्शन के अंदर हम है ना पुश करते हैं, यानी जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो हम इनके अंदर क्या करते हैं कि जो अच्छी ब्रीड की जो भी एनिमल्स होते हैं ना उनके बीच में इंटरक्रॉस करवा के, और फिर उनसे जो अच्छी दूध देने वाली जो भी गायें होती है ना उनको अलग कर लिया जाता है, फिर उनसे नई नस्ल पैदा की जाती है। तो ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होती है सारी, तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच हमें चूज करना है, रोडो स्पाइरेलम माइकोराइजा एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम अल्फा अल्फा फ्रेंकिया एलनस। तो देखिए इसमें हमें जब मिसमैच चूज करना है तो रोडो स्पाइरेलम होगा इसमें, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। एनाबीना होता है ये नाइट्रोजन फिक्सर होता है, राइजोबियम होती है ये अल्फा अल्फा के अंदर पाई जाती है, ग्रास होती है अल्फा अल्फा, और फ्रेंकिया होता है ये एलनस के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्युएट इंटेक्ट ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए गुड विजन होता है ना ये डिपेंड करता है कैरोटीन रिच फूड लेते हैं ना उसके ऊपर, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करता है विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, विटामिन ए के जो डेरिवेटिव होते हैं ना ये कैरोटीन से बनते हैं। द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, रेटिनॉल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रेटिनल इज ए लाइट अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन वन हमें दे रखा है ए सी डी ए सी बी सी डी और ए बी, तो देखिए जो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा ऑप्शन ए इसमें राइट है, ये विटामिन ए होता है ना ये कैरोटीन का डेरिवेटिव होता है, राइट है ये, और रेटिनॉल होता है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, ये भी राइट है इसमें, और रेटिनॉल होता है एक लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट होता है ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स, सभी फोटो पिगमेंट्स के अंदर रेटिनॉल होता है ये लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसमें राइट है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सी और डी ये राइट होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन द एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टैनिंग विद, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं ना वो किससे विजुअलाइज्ड किए जाते हैं, डीएनए सेगमेंट होते हैं ना डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये, जब एगारोज जेल के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं तो ये किससे स्टेन किए जाते हैं, तब हमें दिखाई दिया जाते हैं एसिटोकार्मिन एनिलीन ब्लू इथिडियम ब्रोमाइड ब्रोमो फिनोल ब्लू, तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा, इथिडियम ब्रोमाइड से ये स्टेन किया जाता है इनको, तभी हमें यूवी लाइट में जब हम इसको देखते हैं ना ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा, इथिडियम जो ब्रोमाइड होता है ना उससे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, हिपेटिक जो पोर्टल वेन होती है ना ये ब्लड को लीवर के अंदर ड्रेन करती है, किससे आती है हिपेटिक पोर्टल वेन, स्टोमक से किडनी से इंटेस्टाइन से और हार्ट से, तो ऑप्शन नंबर थ्री राइट होगा, हिपेटिक पोर्टल वेन और रीनल पोर्टल वेन ये दोनों कहाँ से ब्लड लेके जाती हैं, जो रीनल पोर्टल वेन होगी इंटेस्टाइन से ब्लड लेके जाएगी किडनी के अंदर, और हिपेटिक पोर्टल वेन होगी बच्चों वो इंटेस्टाइन से ब्लड लेके जाएगी लीवर के अंदर, तो हिपेटिक जहाँ पे हिपेटिक वर्ड आ जाता है ना वो हमेशा हिपेटिक वर्ड लीवर से जुड़ा होता है, और जो रीनल वर्ड आ जाता है ना वो किडनी से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट होगा, इंटेस्टाइन से ब्लड लेके ये वेन और लीवर के अंदर उसको ड्रेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वैस्कुलर जो कैम्बियम होती है ना ये नॉर्मली गिव राइज ये कब बढ़ती है, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम पेरीड्रम और फैलोड्रम,
तो वैस्कुलर कैम्बियम है ये मोस्टली किससे बनती है ये पूछा है इससे, तो ये सेकेंडरी जाइलम से बनती है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा, सेकेंडरी जाइलम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू, थैलेसीमिया और जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं ना ये किससे होते हैं, टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों ग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है ना हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर ग्लोबिन जो पार्ट होता है उसके अंदर कोज हो जाता है तो उसकी वजह से होते हैं, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सेलेक्ट करो करेक्ट स्टेटमेंट को। तो बोथ आर ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बोथ आर ड्यू ए क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर टू इसमें राइट होगा, थैलेसीमिया होता है ना ये ग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो कम बनते हैं उसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर टू बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू ही राइट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें द जीनोटाइप्स ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी इंटू आई ए आई, जीनोटाइप होता है हस्बैंड और वाइफ का, तो हस्बैंड का तो आई ए आई बी है और वाइफ का है आई ए और आई। तो इसमें अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो उनके जो बच्चे होंगे ना उनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने टाइप के पॉसिबल होंगे। तो देखो जब हम चेकर बोर्ड या पुनेट मेथड जो भी इसमें से फोर्क लाइन मेथड जिससे भी हम निकालेंगे ना इसका रेशियो, तो बच्चों इसमें रेशियो क्या आएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा थ्री जीनोटाइप फोर फिनोटाइप, फोर जीनोटाइप थ्री फिनोटाइप, फोर जीनोटाइप फोर फिनोटाइप, थ्री जीनोटाइप थ्री फिनोटाइप। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर टू, इसमें राइट होगा, ये चार तरह के तो जीनोटाइप बनाएंगे और थ्री टाइप के ये फिनोटाइप बनाएंगे, जीनोटाइप बनेंगे इसमें चार टाइप के और फिनोटाइप बनेंगे इसमें थ्री टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, इनमें से कौन सा स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग के लिए सुटेबल होता है, डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है ना उसके अंदर कमी हो जाती है, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो देखो बच्चों राइट आंसर होगा ना इसके अंदर वो जो रेडियल ओरिएंटेशन होता है ना, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा, जो रेडियल ओरिएंटेशन होता है ना सेलुलोजिक जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं ना ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं गार्ड सेल के अंदर और ये होते हैं स्टोमेटल जो अपर्चर होता है ना उसकी ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन बोगनवेलिया थोन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगनवेलिया जो होता है ना उसके जो कांटे होते हैं ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, एडवेंटिटियस रूट स्टेम लीफ स्टाइप्यूल्स। तो देखिए राइट आंसर होगा बच्चों इसमें ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, बोगनवेलिया के जो कांटे होते हैं ना बोगनवेलिया जिसको उगाते हैं हम घर पे, तो उसका जो मॉडिफिकेशन होता है ये किसका, इसके कांटे किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम का होते हैं, ऑप्शन नंबर टू बच्चों राइट आंसर होगा इसके अंदर, स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें से एक्सीटू कंजर्वेशन थ्रेटेंड प्लांट्स का ये क्या किसमें है, इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अमेजन रेन फॉरेस्ट हिमालयन रीजन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो देखो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क के अंदर क्या करते हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं ना जो थ्रेटन्ड है उनको ला के और वहाँ पे आर्टिफिशियल जो केयर होती है ना उसके अंदर रखा जाता है, उनका वो नेचुरल उनका हैबिटाट नहीं होता, वो नेचुरल हैबिटाट बनाया जाता है उसको, तो एक्सीटू कंजर्वेशन होता है जब उनको खुद के इन्वायरमेंट से अलग रख के आर्टिफिशियली उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर होते हैं ना ये कौन से रीजन से डेवलप होते हैं, इलोंगेशन से, रूट कैप से, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, मैचुरेशन से। तो देखो राइट आंसर होगा ये मैचुरेशन जो जोन होता है ना उससे रूट हेयर्स बनते हैं, मैचुरेशन जोन होता है ना रूट का, इलोंगेशन मैचुरेशन ऐसे जोन होते हैं रूट के, तो यहाँ पे जैसे ये जो रीजन है तो यहाँ पे पाए जाएंगे रूट हेयर, तो ये क्या है मैचुरेशन रीजन होता है रूट का, तो मैचुरेशन रीजन में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चंस वही होते हैं, लैंग्वेज भी वही होती है, हर बार साइंस का जो भी एग्जाम होता है ना उसमें चेंज कुछ भी नहीं होता, खाली क्वेश्चंस की लैंग्वेज और ऑप्शन चेंज होते हैं और बाकी के क्वेश्चन वही होते हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन एज, ऑटोसोमल जो नॉन डिसजंक्शन होता है ना उसकी वजह से डिजीज होती है वो कौन सी होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम होता है, ऑटोसोम्स के अंदर है ना जुड़ने का
ऑटोसोम, ये 21st ट्राइसोमी होती है ना, उसका ऑटोसोम्स रिलेटेड डिजीज है ये डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, अभी जो वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ना वो चैप्टर रिड्यूस हो गया है एनटीए के सिलेबस से, अभी 24 में ये पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कर लेना चाहिए हमें। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो बट लेस देन वन, मोर देन वन एंड जीरो। तो देखिए जो प्योर वाटर होता है ना उसका, डिस्टिल वाटर जिसको बोला जाता है, तो उसका वाटर पोटेंशियल बच्चों होता है ऑप्शन नंबर 4 जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के का जो करेक्ट सीक्वेंस है ना वो कौन सा है, इसमें ये पूछा। तो कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर, डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर, डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रेशन और टीलोफेज। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा जिसमें क्रॉसिंग ओवर का वर्ड दे रखा ना, वो तो हमें ऑप्शन से डिलीट वैसे ही कर देना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बच्चों आता है मियोसिस के अंदर, रिडक्शन जो डिवीजन होते हैं ना उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, तो जिसमें क्रॉसिंग ओवर है वो अपने आप वो डिलीट हो जाते हैं ऑप्शन। और बाद में जो दो ऑप्शन बचे ना फर्स्ट और थर्ड में, तो सबसे पहले क्या होते हैं क्रोमेटिड्स होते हैं ना, क्रोमोजोम्स होते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डिसेंबल यानी गायब होती है। उसके बाद में क्रोमोजोम्स होते हैं वो इक्वेटर यानी मेटाफेजिक जो प्लेट होती है उसके ऊपर अरेंजमेंट होता है इनका। उसके बाद में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज के अंदर, एनाफेज में डिवीजन होने के बाद में वो सेग्रीगेट करते हैं क्रोमोजोम्स, और टीलोफेज है वो लास्ट में प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने के बाद में इक्वेटर पर अरेंज होंगी, इक्वेटर पर अरेंज होने के बाद में सेंट्रोमियर है उसका डिवीजन होगा, और सेंट्रोमियर का डिवीजन होने के बाद में सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन के बाद में टीलोफेज हो जाएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है माइटोसिस के टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। जो प्रोटीन का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना जब हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग से पहले उसका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोप्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो देखिए राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज, टेम्पररी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या होती है, कॉर्पस कार्डिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलाटम और पीनियल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बच्चों, जब ग्राफीन फोलिकन ओवम का रिलीज कर देती है उस, तो उसके बाद में जो उसका कवरिंग बचता है ना उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जब 14 डेज में ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जो एक मेम्ब्रेन बचती है ग्राफीन फोलिकल की खाली, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्रोजेस्टेरोन उससे रिलीज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, कॉर्पस जो ल्यूटियम होती है ना ये होती है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन्स को रिलीज करती है ग्लैंड उनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा जो होते हैं ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। प्लेसेंटा से 3 हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होते हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन, और कॉर्पस और ल्यूटियम होती है उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इनमें से कौन सा है जो डेड सेल से बना होता है, कोलेनकाइमा, फैलम, फ्लोएम और जाइलम पेरेनकाइमा। तो देखो बच्चों जो डेड सेल से बना पार्टिकल होता है ना वो फैलम होता है, फैलम जो बारक होती है ना प्लांट की। ये अब की बार सिलेबस में नहीं है, NCERT की बुक्स में नहीं दे रखा है इसके अंदर इतना, लेकिन जो फैलम का पार्ट होता है ये डेड टिश्यू से बना होता है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गाइज, कॉलोनियल जो एल्गा होता है ना एल्गी उसका एग्जाम्पल पूछा है, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लोरेला। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो होगा वोल्वोक्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, वोल्वोक्स है ये कॉलोनियल एल्गा है, कॉलोनी में पाया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इसमें
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, वो कोलम फर्स्ट का और उसके एजेंट के साथ में मैच करना, यानी एक तरफ डिजीज़ दे रखी है, दूसरी तरफ उनके पैथोजन दे रखे हैं। तो गोनोरिया है ये किससे होता है? सिफिलिस, जेनिटल वार्ट्स और एड्स। तो देखिए एड्स होता है ये बच्चों होता है HIV से, गोनोरिया होता है ये ट्रिफिनेमा, जेनिटल वार्ट्स होते हैं ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं, सिफिलिस होते हैं ये ट्रिफिनोमा से होते हैं, और गोनोरिया होती है ये नाइजीरिया से होते हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों होगा 4 का ऑप्शन है ना, वो राइट होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं 4 में। गोनोरिया है ये नीरेज से होता है, सिफिलिस होता है ये ट्रिफिनोमा से होता है, जेनिटल वार्ट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एड्स होता है ये HIV से होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर आयन होते हैं ना कॉपर रिलीजिंग IUD के अंदर, उनका क्या वर्क होता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट है? दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। देखिए कॉपर आयन्स होते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD होती हैं जो फीमेल्स के अंदर यूज में ली जाती हैं, तो इनके अंदर ये प्रेगनेंसी प्रिवेंटिंग के लिए काम में ली जाती हैं। तो इनके अंदर क्या काम में, कॉपर आयन का क्या वर्क होता है इसके अंदर? तो कॉपर आयन वर्क करता है जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है और फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है ना उसको सप्रेस कर देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देती हैं कॉपर आयन्स IUD के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड कोइल सॉलिड्स, इनमें से सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं ना सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, वो किससे रिमूव किए जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सलज ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो देखिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, वो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को ही सीवेज से हटाया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो हेमिकोर्डेट्स क्या करते हैं, कॉर्डेट्स के साथ में शेयर करने का काम करते हैं? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंक्स विद गिल्सलीट, फेरिंक्स विदाउट गिल्सलीट, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो देखिए हेमिकोर्डेट्स के अंदर फेरिंक्स विद गिल्सलीट पाई जाती है, गिल्सलीट इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होता है। फेरिंक्स विद गिल्सलीट होते हैं ना ये कॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं और हेमिकोर्डेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, जो फाइनल प्रूफ होता है ना, है ना DNA का, DNA को जेनेटिक मटेरियल के रूप में फाइनली एक्सपेरिमेंट में किन्होंने प्रूफ किया था इसको? तो हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट था, एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का था, हरगोविंद खुराना का था और ग्रिफिथ का था। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा हर्से और जो चेस का एक्सपेरिमेंट था ना, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को प्रूव किया था, DNA को प्रूव किया था जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर था वो उसने यूज में नहीं लिया था ये पूछा इसके अंदर। तो ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, सीड ग्रीन और येलो, पोड इनफ्लेट और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्टेम टाल और ड्वार्फ। तो देखो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हमें नज़र आ ही रहा है, ट्राइकोम्स का उसमें कोई यूज़ नहीं था, उन्होंने फ्रूट्स के उसकी जो फ्ली होती है पोड होती है मटर की उसके ऊपर और फ्लावर के ऊपर और स्टेम हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरिटी बिलोंग्स टू, कौन से प्लांट होते हैं जो न्यूमेटोफोर्स के न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं और विविपेरिटी उनमें पाई जाती है? तो हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स। तो देखिए हेलोफाइट्स होते हैं ना, हेलोफाइट्स क्या होते हैं जो मार्सी एरियाज होते हैं ना जहाँ पे दलदल होती है नदियाँ और जो समुद्र होते हैं ओशियन होते हैं उनके जो किनारे होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली ये हेलोफाइट्स पाए जाते हैं और इनके अंदर न्यूमेटोफोर्स होती हैं जो नेगेटिवली ग्रेविटी के नेगेटिव में ये ग्रो करती हैं, रेस्पायरेटरी रूट्स पाई जाती हैं और विविपेरिटी भी शो करते हैं, तो ये हेलोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, पाइवेट जो जॉइंट होता है ना एटलस और एक्सिस के बीच में ये किस टाइप का होता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 130 का आंसर होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट, सैडल जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, सिनोवियल जॉइंट होता है ये, पिवोट जो जॉइंट होता है ना एटलस और एक्सिस के बीच में ये सिनोवियल जॉइंट होता है, कंप्लीटली मूवेबल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है ना, उसको स्टेटमेंट में कौन इसमें करेक्ट नहीं है जो इसको अफेक्ट करते हैं। इंक्रीजिंग एटमोसफियर सी ओ टू कंसनट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस सी ओ टू फिक्सेशन रेट। जब एटमोसफेरिक सी ओ टू कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो सी ओ टू फिक्सेशन की रेट है ना वो 0.05% कम हो जाती है। सी थ्री प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर्स विद इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल सी फोर प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोवन इन सी ओ टू एंड रिच एटमोसफेयर फॉर हायर यील्ड। लाइट सेचुरेशन फॉर सी ओ टू फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर टू। सी थ्री प्लांट्स जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर के अंदर रेस्पॉन्ड करते हैं, और जबकि सी फोर प्लांट होते हैं ये लो टेम्परेचर के अंदर रेस्पॉन्ड करते हैं। नहीं सॉरी, सी थ्री प्लांट्स होते ना ये ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना तब ये फोटोसिंथेसिस को कम करते हैं, और सी फोर प्लांट्स होते हैं ना जब कम टेम्परेचर होता है तब ये लो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स ये कैसे, ऑप्शन क्वेश्चन 132 दे रखा। नेगेटिवली चार्ज होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट या न्यूट्रल होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो बच्चों, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। इनमें से कौन से कंपोनेंट होते हैं जो स्टिकी कैरेक्टर है बैक्टीरियल सेल को वो प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें राइट होगा। ये बैक्टीरियल सेल को स्टिकी एंड है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं, किसी जगह से चिपकने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम रिप्रेजेंट होते हैं, एमाइलेज पेप्सिन ट्रिप्सिनोजन माल्टेज, पेप्टिडेज एमाइलेज पेप्सिन रेनिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज पेप्टिडेज ट्रिप्सिनोजन और रेनिन। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। इनमें से जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ना उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताओ। डॉल्फिन सील ट्राइगोन व्हेल, डॉल्फिन सील ट्राइगोन व्हेल सील, सील डॉल्फिन शार्क्स। तो देखिए व्हेल्स डॉल्फिन और सील्स होते हैं ना ये एक्वेटिक मैमेलियन होते हैं, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। फ्रूट और लीफ होते हैं ना ये अर्ली स्टेज के अंदर प्रिवेंट किए जाते हैं किसके एप्लीकेशन से, इथाइलिन ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। तो ये ऑप्शन नंबर टू इसका राइट होगा। ऑक्सिन की वजह से फ्रूट और लीफ होते हैं ये जब अर्ली स्टेज के अंदर गिरने लग जाते हैं ना फ्रूट और लीफ, ये पकने से पहले ही गिरने लग जाती हैं, तो ये ऑक्सिन से इसको प्रिवेंट किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन का इसके ऊपर स्प्रे करके और इसको प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर करेक्ट रूट पूछा है स्पर्म के पैसेज का। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखे हैं, टेस्टिस वासा डिफरेंसिया किडनी सेमिनल वेसाइकल यूरोजेनिटल डक्ट कलोइका। टेस्टिस वासा डिफरेंसिया बीडर्स कैनाल यूरिटर और कलोइका। टेस्टिस वासा डिफरेंसिया किडनी बीडर कैनाल यूरिनो जेनिटल डक्ट कलोइका। टेस्टिस बीडर कैनाल किडनी वासा डिफरेंसिया यूरी नो जेनिटल डक्ट और क्लोइका। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना इसमें, तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसमें राइट है। सबसे पहले क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, ये वासा डिफरेंसिया से किडनी में आएंगे, किडनी से बीडर की कैनाल में, बीडर कैनाल से यूरिनो जेनिटल जो डक्ट होती है और उसके बाद में क्लोइका से ही आउट कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा कैसा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अभी का अभी दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई एक ऐसा मेल है जिसके अंदर स्पर्म का काउंट लो होता है बिल्कुल, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की सुटेबल टेक्निक कौन सी होगी। गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्यूब, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर।
तो बच्चों राइट आंसर होगा ना ये होगा ICSI, जिसको बोला जाता है ना इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसके अंदर जब मेल के अंदर स्पर्म जब लो काउंट में होता है ना, तो डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है हुमेन जो फीमेल ओवम होता है ना उसको, और उससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच इकोसिस्टम इज हैज़ द मैक्सिमम बायोमास, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसके पास सबसे ज़्यादा बायोमास पाया जाता है। विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे ज़्यादा बायोमास है ना बच्चों वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। बायोमास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट का लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब की जाती है और उससे बायोमास का प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाइट दे डो नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। लंग्स होते हैं ना जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं उनके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ये कभी कोलैप्स नहीं करते यानी आपस में पिचकते नहीं है। तो क्यों नहीं पिचकते? फोर्सफुल एक्सपिरेशन यानी हम फोर्स के साथ में बाहर जब सांस को छोड़ते हैं तो भी हमारे लंग्स हैं वो चिपकते नहीं है। क्यों नहीं चिपकते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो इसके अंदर, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4। रेसिडुअल जो वॉल्यूम होता है ना यानी हम जो फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं ना उसके बाद में भी हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है और उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें प्रजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग इन द हाइट कैन बी बेस्ड इन। तो हाइट के अकॉर्डिंग वर्टिकली जो लेयर पाई जाती है ना प्लांट्स की वो कहाँ पे देखी जाती है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं ना इनकी लेयर के अकॉर्डिंग, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग लेयर्स बनी होती हैं, ये कहाँ पे सीन होती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सवाना लैंड। तो बच्चों राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना उनके अंदर प्लांट्स हाइट के अकॉर्डिंग वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द परमिएबल टू वाटर, द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो देखो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो होगा जो असेंडिंग लिंप होती है ना लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी जो हेनले का लूप ऐसे होता है तो इसकी जो असेंडिंग लिंप होती है ना ये वाली यू शेप होती है ये हेनले का लूप, तो इसमें असेंडिंग जो लिंप होती है असेंडिंग लिंप ये होती है, ये तो होती है डिसेंडिंग लिंप, ये होती है असेंडिंग लिंप। तो असेंडिंग लिंप क्या होती है? वाटर के लिए अनपरमिएबल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे ये सबसे पहले, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? लार्ज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होती है ना उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को पहली बार डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक जो मियोसिस होता है ना बच्चों वो किसका करेक्टर होता है ये पूछा इसके अंदर, फ्यूकस फ्यूनेरिया क्लेमाइडोमोनास और मर्केंसिया। तो देखिए जाइगोटिक जो मियोसिस होता है ये फ्यूकस फ्यूनेरिया क्लेमाइडोमोनास और मर्केंसिया, इनमें से किसका करेक्टर है? फ्यूकस का, फ्यूनेरिया का, क्लेमाइडोमोनास का और मर्केंसिया का। तो बच्चों राइट आंसर इसका होगा क्लेमाइडोमोनास का, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर पाया जाएगा? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 999 बेसेज इन mRNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड एंड द बेस ऑफ पोजिशन 901 इज डिलीटेड सच एज दैट द लेंथ ऑफ द RNA बिकम 998 बेसेज, हाउ मैनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना, यानी एक जो कोडोन होता है ना वो 4 अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है, तो जो 901 की पोजिशन पे अमीनो एसिड था ना वो इसके अंदर डिलीट हो गया, तो 998 बेसेज हमें अक्कर हुए। तो उसमें से कौन सा कोडोन है वो, कितने कोडोन है वो अल्टर्ड हो गए इसमें? तो देखो इसमें राइट आंसर होगा 33, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है फ्लोवर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉली, एक ऐसा फ्लोवर जिसके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर और ये इनफ्लोरेसेंस में पैक होता है, तो इसका पोलिनेशन किससे होता है ये पूछा है इसमें।
तो ऑप्शन नंबर टू इसमें राइट होगा। ये विंड से होता है, जो सिंगल ओवरी फ्लावर होते हैं ना, ये विंड पोलिनेशन होता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज या ऑर्गन फेल्स ओपन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। जब किसी टिश्यू या ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, तो जो पेशेंट की बॉडी होती है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसके रिस्पॉन्स के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम काम करता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हॉर्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो बच्चों राइट आंसर होगा ये होगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस और फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस कैसी होती है? मोस्टली डिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक, डिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोंटिक, हैप्लोंटिक और डिप्लोंटिक। तो देखिए एक्टोकार्पस जो होता है ना, एक्टोकार्पस होता है ना बच्चों, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लोंटिक, और जो फ्यूकस होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लोंटिक। फ्यूकस हमेशा डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, और एक्टोकार्पस की हैप्लोडिप्लोंटिक होती है, ऑप्शन नंबर टू इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। एक जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर, वो क्या होता है? वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन, सिलेक्टेबल मार्कर। तो राइट आंसर होगा बच्चों सिलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्म जो सेल होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा इसमें, ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। जो डायसियस फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, ये किस किस को प्रिवेंट करता है? तो डायसियस कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं ना, वो दोनों एक में ही पाए जाते हैं? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड जीनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा, ये ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर वन इसमें राइट होगा ये ऑटोगेमी। डायसियस प्लांट कौन से होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो दोनों अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं? तो इसके अंदर ऑटोगेमी भी नहीं पाई जाएगी और जिटेनोगेमी भी नहीं, यानी एक प्लांट के ऊपर एक ही इसमें पाया जाएगा मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। तो ये ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों ही नहीं पाई जाती। ऑटोगेमी किसको बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन पाया जाएगा ना फ्लावर में, उसको बोलते हैं। और जिटेनोगेमी किसको बोलते हैं? जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। इनमें से क्रेब साइकिल के लिए क्या रॉन्ग दे रखा है? देर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेर एफ ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एफ ए डी एस टू ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड ए मोलिक्यूल ऑफ जी टी पी सिंथेसाइज। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल को एंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। देर आर थ्री पॉइंट्स इन द साइकिल वेर एन ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एन ए डी एच प्लस एच प्लस। तो देखिए क्रेब साइकिल के लिए इसमें रॉन्ग दे रखा है ना, वो ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर थ्री है ना, ये जो एसिटाइल जो कोएंजाइम, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थ्री इसमें राइट होगा, जो साइकिल होता है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना, उसकी कंडेंसेशन से शुरू होता है और पाइरुविक एसिड से और सिट्रिक एसिड को ये बनाता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन। फॉस्फोइनोल जो पाइरुवेट होता है ना, ये किसके अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है? सी फोर प्लांट्स के अंदर, सी टू प्लांट्स के अंदर, सी थ्री एंड सी फोर प्लांट्स के अंदर, सी थ्री एंड सी थ्री प्लांट्स के अंदर। तो राइट आंसर बच्चों होगा, जो फॉस्फोइनोल जो पाइरुवेट होता है ना, ये सी फोर प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर होता है, ऑप्शन नंबर वन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट। डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, ये किसको इलोंगेट करने का काम करते हैं? द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। तो देखिए राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा, जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, ये रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जाता है। लैगिंग जो स्ट्रैंड होता है ना, ये रेप्लिकेशन जो फोर्क होता है ना, उससे दूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबुंडेंट इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सा आरएनए होता है वो एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए और आरआरएनए। तो राइट आंसर होगा ना बच्चों, ये होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें राइट होगा। जो आरआरएनए होता है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर, आरआरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, जीएनआरएच ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। तो इनमें से जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है ना, ये किसको रिप्रोडक्शन में, किस इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर नीड होती है, ये किस पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ना उससे ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं ना इनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारो जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनमें क्राइटेरिया पूछा डीएनए फ्रेगमेंट की मूवमेंट होती है ना एगारो जेल में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब एगारो जो जेल होती है उसके ऊपर जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो मूव करते हैं, तो उसको उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया इसमें। तो द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फर्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, द स्मॉलर जो सबसे छोटा जो ये क्या करते हैं साइज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये साइज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और जो सबसे छोटी साइज का जो फ्रेगमेंट होगा ना वो सबसे जल्दी और सबसे आगे की तरफ मूव करेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। जो हाइपर सिक्रेशन होता है ना ग्रोथ हार्मोन का, ये एडल्ट में हाइट आगे नहीं बढ़ पाती, ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है, क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट्स। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा, जो एपिफाइसियल प्लेट होती है ना ये एडोलेसेंस के बाद में एपिफाइसियल जो प्लेट होती है ये इसको बंद कर देती है ग्रोथ हार्मोन के वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना बैक्टीरिया के अंदर वो कहाँ पे होता है, विद इन न्यूक्लियोलस प्रियोर टू फिशन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग एस फेज। तो राइट आंसर होगा ना बच्चों, ये प्रियोर टू फिशन होता है जब वो जब बैक्टीरिया होते हैं ये जब दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना फिशन करते हैं तो उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फ्रॉम दोज गिवन पीरियड इज द फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट का टाइम पूछा है इसमें, 1840 से 1850, 1857 टू 1869, 1872, 1877, 1856 टू 1863। तो राइट आंसर होगा ना बच्चों ये होगा, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने वर्क किया था, सेवन ईयर्स वर्क किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेज इन हैविंग। वायरॉइड्स होते हैं ना ये वायरस से डिफरेंट होते हैं, कैसे होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वायरॉइड्स के अंदर क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल, सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स में क्या होता है, सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल होता है और उसके बाहर कैप्सोमियर नहीं पाए जाते, ये एब्सेंट होता है, कैप्सोमियर नहीं पाया जाता इसमें, सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट परसेंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माल्ट होता है ना ये लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 20%, 70%, 10% और 50%। तो राइट आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैस्ट फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम।
क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। इनमें से एक तरफ तो दे रखा प्रोडक्ट और इनमें से एक तरफ ऑर्गेनिज्म दे रखा, तो मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड सैक्रोमाइसिस रेवेसी इथेनॉल एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स। तो राइट आंसर बच्चों इसमें सैक्रोमाइसिस रेवेसी होता है ना, इससे इथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। नो वन विदाउट ए डेफिनाइट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सबसे छोटी लिविंग सेल होती है, ये सेल वॉल के बिना पाई जाती है और प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करने का काम करती है और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेती है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, राइट माइकोप्लाज्मा पी पी एल ओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी सेल होती है, 0.2 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर इनका एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इनमें से हॉर्स का ऑर्डर क्या, कौन सा रिप्रेजेंट करता है इसमें, पेरिसोडेक्टाइला कैबेलस फेरस इक्विडी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, इक्विडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग्स हार्ट वेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब फ्रॉग का हार्ट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है तो भी वो थोड़ी देर तक बीट करता है, तो इसके लिए करेक्ट बताओ, वो फ्रॉग इज ए पोइकिलोथर्मी, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट इज ऑटो एग्जिटेबल। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट होगा, तो देखिए पोइकिलोथर्मिक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है इसमें। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी रॉन्ग है इसमें। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये ट्रू है, और ऑटो एग्जिटेबल होता है, ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, सी और डी हैं ये दोनों राइट हैं इसमें। हार्ट मायोजेनिक होता है नेचर में और ऑटो एग्जिटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेंड बाई। होमोजाइगस जो प्योर लाइन होती है ना कैटल्स के अंदर, वो किससे ऑप्टेन की जाती है, मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। तो होमोजाइगस प्योर लाइन जो ब्रीड पाई जाती है ना बच्चों, वो पाई जाती है जब रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में सेम ब्रीड के अंदर मैटिंग करवाई जाती है, तब पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, रिलेटेड इंडिविजुअल के सेम ब्रीड के अंदर मैटिंग होती है इसमें, ऑप्शन नंबर होमोजाइगस प्योर लाइन ब्रीड तभी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड अब सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एनटीए में इस सिलेबस में रिड्यूस हो गया ये पार्ट। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल इफिशियंटली, इट कंप्राइज डेड एंडमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना, ये इसके अंदर राइट आंसर होगा, वो होगा इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इफिशियंटली, इनसे वाटर और मिनरल्स होते हैं ना वो इजीली मूव नहीं कर पाते, ये डेड ऑर्गन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा इसके अंदर 167 के क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज जो प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होती है, ये प्रॉपर माइटोस, ये एनिमल सेल के प्रॉपर माइटोसिस में पाई जाती है। इफ़ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ए ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। यदि ह्यूमन सेल के अंदर एपीसी है वो डिफेक्टिव है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्रोमोसोम्स विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर्म्स विल अकर, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस। तो राइट आंसर होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स हैं वो अलग नहीं हो पाएंगे इसमें, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जब मेटाफेज प्लेट से ऐसे मेटाफेज प्लेट्स पे ऐसे क्रोमोसोम्स लगे होते हैं, फिर ये अपोजिट पोल में ऐसे मूव करते हैं ना, अपोजिट पोल में ऐसे, तो सेंट्रोमियर जो होता है ना इससे टूट के जब अलग होते हैं, तो ये सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है वो कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाने के वर्क में काम आता है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो राइट आंसर होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा इसमें से किसका एग्जाम्पल है, मेंसिलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म और फंगी स्टेटिस। तो राइट आंसर होगा बच्चों,
माइकोराइजा होता है ना, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन वुमेन ओनली वाई पेयर आर ट्रू रिब्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन. तो देखो 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती है वुमेन के अंदर, और उसमें से 7 पेयर होते हैं ना वो ट्रू रिब्स होती हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट दे रखा है, ट्रू रिब्स होती हैं 7 पेयर और टोटल रिब्स होती हैं 12 रिब्स. तो ट्रू रिब्स क्या होती हैं, ये डोर्सली तो होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं, और वेंट्रली होती हैं स्टर्नम से अटैच्ड. नो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस, पोरीफेरा के अंदर द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो स्पॉन्जोसील के अंदर पाई जाती हैं वो किससे लाइन होती है, कोइनोसाइट्स. ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, कोइनोसाइट्स से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स, एरोसोल्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं है. दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. ए बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू ए डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट, सॉरी इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों ऑप्शन 173 का आंसर. तो 173 में दे कैन कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एरोसोल क्या नहीं करते, ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको बढ़ाते नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर्स इन एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू ए डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ विच टीथ आर एब्सेंट. एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसको डेंटल चेकअप के लिए ले जाया गया, तो उसके अंदर 20 टीथ थे लेकिन कौन सी टीथ इसमें नहीं है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसाइजर. तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा वो होगा प्रीमोलर्स इसमें एब्सेंट है अभी, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच को चूज करो, साइकस, डायोसियस, साल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम, होमोस्पोरस, पाइनस, डायोसियस. तो बच्चों राइट आंसर होगा पाइनस मोनोसियस होता है, डायसियस नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, एडिबल पार्ट होता है ना कोकोनट के अंदर, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है, कोटिलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प और पेरिस्पर्म. तो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा इसमें 2 ऑप्शन राइट होगा, एंडोस्पर्म होता है मॉर्फोलॉजिकली नेचुरल, एडिबल पार्ट होता है ना इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिट्स बाई, डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा एक्सिबिट किया जाता है, एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, स्प्लियोसोम्स किस में नहीं पाए जाते, फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया और प्लांट्स. तो स्प्लियोसोम्स होते हैं बच्चों ये नहीं, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते, ये यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लायोसोम्स नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, एसोसिएशन होता है ना हिस्टोन प्रोटीन का वो न्यूक्लियोसोम के साथ में इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन इन अकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग. हिस्टोन प्रोटीन का न्यूक्लियोसोम के साथ में जुड़ना क्या होता है, तो डीएनए इज कंडेंस्ड इन ए क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में डीएनए होता है, वो क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है, उसमें क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी है वो बिल्कुल लो होती है, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, रिस्टोरेशन जोन और कोर जोन. तो राइट आंसर होगा कोर जोन होता है ना जो सबसे सेंट्रल वाला पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो इसके अंदर ह्यूमेंस की एंट्री है वो बिल्कुल नहीं होती, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा. तो ये थी बच्चों आज की क्लास, आपको कैसी लगी क्लास ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी जो आप इसमें और भी सजेशन अगर चाहते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आप सुधार चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.